कर्मी आयुर्वेद नर्सेज और बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज के नियमित पदों पर 400 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती की शीघ्र वरीयता सूची करवाने की मांग को लेकर यहां आए हुए हैं। हम लगातार विभाग से इस बारे में काफ़ी बार भेंटवार्ता करके विभाग के अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों से और ये आग्रह कर चुके हैं कि जल्द से जल्द वरीयता सूची जारी की जाए और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय और विभाग की लापरवाही से वरीयता सूची तैयार नहीं की गई है और जारी नहीं की गई है। हम लोग आज यहाँ इस धरने के माध्यम से मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। धरने के माध्यम से निदेशक महोदया से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंतरिम वरीयता सूची जारी की जाए और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या आप एक्शन लेंगे इसमें? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, और आज हम अभी बात करेंगे जब वार्ता का नोटा आएगा, उसके बावजूद अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हमारा धरना जारी रहेगा और शांतिपूर्वक हम इस चीज़ की मांग करते रहेंगे और इस लापरवाही का विरोध करते रहेंगे। आगे हमें अनशन तक जाना पड़ा तो हम अनशन के लिए भी बैठेंगे उसमें। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? लमसम 4000 के लोग, 4000 के समथिंग लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके अलावा एक तरफ तो सरकार ये भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब कर रही है, दूसरी तरफ बहुत सारे आयुर्वेद विभाग के जो औषधालय हैं उन पर ताले लग रहे हैं। आए दिन मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही है, ताले लग रहे हैं, इधर उधर स्टाफ को लगाया जा रहा है, दो दो तीन तीन दिन डेपुटेशन किया जा रहा है। तो जब ऐसे हालात है तो ये भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए ताकि औषधालयों में भी सही स्टाफ उपलब्ध हो सके और जनता को उसका फायदा मिल सके। आपका नाम और पद? धनुषराम मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद संयुक्त संगठन नर्सेज एसोसिएशन।